नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अमृतसर की जिला जेल में एक 40 वर्षीय नौजवान की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत, पारिवारिक सदस्यों ने प्रशासन से इंसाफ की लगाई गुहार। धूरी के सरकारी गर्ल्स स्कूल में एक समागम का किया गया आयोजन, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की पत्नी डॉक्टर गुरप्रीत कौर ने बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। और अब हलचल विस्तार से। पंजाब की जेलें अक्सर ही सुर्खियों में बनी रहती है, जिसका ताजा मामला सामने आया है अमृतसर जिला जेल में, जहां एक 40 वर्षीय नौजवान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद मृतक का पोस्टमार्टम करवाने के लिए उसे अमृतसर के पोस्टमार्टम हाउस में लाया गया, जहां उसका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। वहीं मृतक के पारिवारिक सदस्यों का कहना है कि प्रशासन ने उन्हें 3 घंटे देरी से बताया कि उनके बच्चे की तबीयत खराब है। उन्होंने कहा कि जेल में हालत काफ़ी खराब है। उनके बेटे को अमृतसर के गुरु नानक देव अस्पताल में लाया गया। जब वे वहाँ पहुँचे तो डॉक्टरों ने उनके बच्चे को मृत घोषित कर दिया। इसलिए उन्होंने उच्च प्रशासन से अपील की कि इन सबके पीछे जो दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो वहीं जब इस संबंध में पुलिस अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जब उसे अमृतसर के सुधार घर से अस्पताल के लिए लेकर आए तो वह जिंदा था और उसकी हालत एकदम से खराब हो गई और जिस कारण उसकी मौत हो गई। उन्होंने कहा कि मृतक का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। ਹੋਇਆ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ, ਕਵਲਜੀਤ ਦੀ। ਕੀ ਮਾਮਲਾ? ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਬੈਰਕ 'ਚ ਨਾ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ ਲੁਆਇਆ ਅਤੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੋਸਪਿਟਲ ਆ ਗਏ ਸਵੇਰ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹਨੇ ਚਾਹ ਚੂ ਪੀਤੀ ਆ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਬਣੀ ਜੀ ਛਿੜੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। 8:30 ਵਜੇ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹੋਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਇੱਥੇ 10:30 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ 11:30 ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ 8:30 ਵਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਨਾ 10:30 ਵਜੇ ਕੀਤਾ। 11:30 ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀਰੀਅਸ 'ਤੇ ਆਓ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਡੈਥ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਦਾ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ, ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਅ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾ ਤਾਂ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਤਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੁੰਡਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਜੀ? ਸਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਅਸੀਂ ਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਦੋਂ ਠੀਕ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਟਾ ਹਿਲ ਜੁਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗ। ਧੂਰੀ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰਲਜ਼ ਸਕੂਲ ਮੇ ਪੜ੍ਹਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਮ ਕੇ ਰੱਖੇ ਸਮਾਗਮ ਮੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕੀ ਪਤਨੀ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਕੇ ਤੌਰ ਪਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ। ਧੂਰੀ ਕੀ ਰਾਇਸਲਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਪੜ੍ਹਤਾ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਨਾਮ ਪਰ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਾ ਗਿਆ। प्राप्त जानकारी के अनुसार सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की फीस रायसला फाउंडेशन उठाती है। पिछली बार 87 लाख रुपए की फीस भरी गई थी और इस साल पर 43 लाख रुपए की फीस भरी गई है, जिसके चेक मुख्यमंत्री की पत्नी डॉक्टर गुरप्रीत कौर की ओर से स्कूल के मुख्य अध्यापकों को दिए गए। मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान की पत्नी ने कहा कि धूरी के सरकारी स्कूलों में 550 के करीब बच्चों की फीस रायसला फाउंडेशन की ओर से भरी गई है, जो एक अच्छा कदम है जिसकी वह खूब सराहना करती हैं। धूरी से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। भरी है जिहड़ी कि 9वीं तो 12वीं तक की फीस भरी है, जिहड़े करके बच्चे जिहड़े पढ़ाई तो हट जाते हैं जी, जिन्हां दी इशू हुंदा है फाइनैंशियल इशूज करके बच्चे स्कूलों चो हट जाते हैं, उन्होंने बहुत वधिया उपराला जी। सरकार अपने काम निरंतर कर रही है स्कूलों लिए, एजुकेशन लिए, हैल्थ लिए। स्कूलों के जे आप गल करिए जिवें सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस खोले ने जी नवें, जिहड़े प्रिंसीपल्स ने उन्होंने ट्रेनिंग लिए बाहर भेजा जा रहा है, जिहड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए स्कूल्स लिए वह भी प्रोवाइड किया जा रहा है। सो बहुत वधिया उपराला है सरकार नाल रल के, इंडस्ट्रियलिस्ट नूं भी, होर भी जिहड़े समाज सेवी ने, NGOs ने, उन्होंने मिल के इहो जिहे होर उपराले करने चाहिए ने, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਘਰ 'ਚ ਫੈਲੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਇਹ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ
एक प्रोजेक्ट उलीकिया जिसका नाँ है पढ़दा पंजाब। पढ़दा पंजाब प्रोजेक्ट इस वेले जो SSP सन सरदार मनदीप सिंह सिद्धू जी जो इस वेले CP लुधियाना हैं उन्होंने रहनुमाई दे विच यह प्रोजेक्ट असी चालू करिया जिसका परपज यह सीगा कि जो भी बच्चे चाहे वह सरकारी स्कूलों च पढ़ते हैं चाहे प्राइवेट स्कूलों च भी जो लोड़वंद बच्चे ने उन्हां दियां फीसां जिहड़ियां हैगियां साडे RSELA फाउंडेशन वल्लों भरियां जाणगियां। पिछले साल असी इस प्रोजेक्ट अधीन तकरीबन 87 लाख ते 40 हज़ार रुपया एजुकेशन के खेत्र दे विच जिस दे विच के आपां सरकारी स्कूल दियां फीसां कह सकते हैं लोड़वंद बच्चों दियां फीसां जिहड़े प्राइवेट स्कूलों च भी पढ़ते हैं कुछ लाइब्रेरियां की स्थापना हो रही है उन्हां वास्ते सपोर्ट जो दित्ती गई। वर्ष 2012 में स्थापित आम आदमी पार्टी ने पिछले साल की शुरुआत में पंजाब विधानसभा चुनाव जीता और बाद में गुजरात चुनाव में 5 सीटों पर जीत हासिल की। भारत निर्वाचन आयोग ने सोमवार को राष्ट्रीय और राजनीतिक दलों की सूची में संशोधन किया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने से आप वर्करों में खुशी की लहर है, जिसके तहत नाभा विधानसभा क्षेत्र के विधायक गुरदेव सिंह देवमान ने अपने कार्यालय में ढोल की ताल पर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ भांगड़ा डाला। वहीं राहगीरों का लड्डुओं से मुंह मीठा करवाया गया। उन्होंने कहा कि जो राजनीतिक दल कह रहे थे कि झाड़ू बिखर जाएगा, लेकिन आज उसी झाड़ू ने कमाल कर दिया है। उन्होंने आप पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल और आला कमान को बधाई देते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल निकट भविष्य में देश के प्रधानमंत्री होंगे। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। आम पार्टी के सपोर्टर बैठे ने, सबनों बहुत बहुत मुबारक, परमात्मा चढ़ती कला च रखे। वो दिन दूर नहीं जिदन अरविंद केजरीवाल साहब देश के प्रधानमंत्री बन गए और भारत देश साडा ए विलखण देश साडा पुरातन देश साडा पीर पैगंबरां दा देश जिहड़ा पूरी दुनिया दे विच पूरी दुनिया नूं लीड करेगा जिहदे नाल अरविंद केजरीवाल साहब प्रधानमंत्री बन गए। सो मेरे वल्लों अरविंद केजरीवाल साहब नूं, संजय सिंह जी नूं, मनीष सिसोदिया जी नूं, भगवंत मान जी नूं, दुर्गेश पाठक जी नूं, डॉक्टर संदीप जी नूं, समुचे लीडरशिप नूं, पंजाब की लीडरशिप नूं, दिल्ली की लीडरशिप नूं, जिन्नियां स्टेटां दे विच साडे लीडर बैठे ने, सब नूं बहुत बहुत मुबारक, ढेर सारियां मुबारक, परमात्मा चढ़दी कला च रखे। आम आदमी पार्टी मुथूट फाइनेंस कॉरपोरेशन की ओर से सब्जी मंडी मकसूदा जालंधर में किसान भाइयों के लिए लोन मेले का आयोजन किया गया। मुथूट फाइनेंस कॉरपोरेशन भारत की सबसे विश्वसनीय कंपनी है जो पिछले 138 वर्षों से आम आदमी की वित्तीय जरूरतों को पूरा करते हुए आई है। ये कंपनी गोल्ड लोन में अग्रणी कंपनी होने के साथ साथ व्यापारिक लोन, बिजनेस के लिए किश्तों में सोना लेने, इंश्योरेंस के प्रोडक्ट, देश विदेश में पैसे भेजने की सुविधाओं के साथ साथ टू व्हीलर लोन और अन्य बिल पेमेंट सर्विसेज प्रदान करती है, जिसके चलते कंपनी की ओर से किसान भाइयों के लिए इस लोन मेले का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों की जरूरतों को समझते हुए उन्हें वित्तीय सेवाएं दी गई। इस मौके पर मंडी अध्यक्ष इंद्रजीत नागरा, कंपनी के रीजनल मैनेजर दानिश अरोड़ा, मैनेजर आदित्य, एरिया मैनेजर सनी शर्मा एवं राजू मखीजा ने विशेष तौर पर उपस्थित होकर दीप प्रज्वलित कर इस मेले का शुभारंभ किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। आज जालंधर अनाज मंडी च सब्जी मंडी च असी मथूट फिनकॉर्प वालों एक मंडी एक्टिविटी सब्जी मंडी एक्टिविटी की जा रही है जिदे विच साडे व्यापारी दोस्त व्यापारी मित्र सारे दे सारे साडे लोग जिन्हें भी साथी इत्थे काम करते हैं जिन्हें दुकान है उन्हां सारिआं वास्ते असी होम लोन, गोल्ड लोन, टू व्हीलर लोन, व्यापार मित्रा लोन, होर भी बहुत सारिया चीज़ा जिहड़ियां साड़िया कंपनियां प्रोवाइड कर रही है। साड़ी कंपनी मथूट फिनकॉर्प देश की बहुत पुरानी कंपनी है और साढ़े जलंधर के घट्टो घट 4-5 ऑफिस है, एक तो बिल्कुल लागे है मकसूदा ब्रांच ही। साढ़े नाल अज मंडी बोर्ड के प्रेजिडेंट श्री इंद्रजीत नागरा जी आए हैं, पहले तो मैं उन्होंने स्वागत करना। जिन्हें भी मेरे वीर जिन्हें भी बैंक तो लोन वास्ते मेरे जिन्हें भरा भैन ने इन्हों का बहुत वधिया उपराला है, इतने गरीब अमीर कोई नहीं देखा जाता। इस बैंक वालों हरेक नूं गोल्ड लोन, 3-व्हीलर लोन, 2-व्हीलर लोन, होम लोन, बिजनेस लोन दिता जाता। इस बैंक ने जोड़ा भी उपराला किया गरीबों ने किया, बहुत वधिया उपराला ने।
मेरे वीर नू किसे नू किसे तरह का कोई पैसा इतों नेपाल यूपी कितने भी भेजना हो प्रवासियों ने इन्होंने बैंक थ्रू भेजो तुहानू कोई भी एक भी रुपए की कोई हेराफेरी नहीं इत्थे ना कोई टैक्स लगता सारे वीर मेरे इन्हों का साथ दो तो सारे जाने जो भी किसी को कोई प्रॉब्लम आ ये हल बैंक थ्रू करे तो इन्हों तो तुम हरेक कोई बंदा सलाह ले सकते हैं। मैं ढाडा मंडी आने वीरों बहुत बहुत धन्यवाद करता बैंक वाले का तो अगे तो भी इदा के कैंप लाते रहो जबकि पब्लिक न कुछ पढ़ी लिखी आ कुछ अनपढ़ इन्हों कुछ ना कुछ सहूलत मिलती रह भावड़ियानी समाध श्री बाबा वैरा तीर्थ कमेटी लुधियाना संघ की ओर से श्री बाबा वैरा जी का पावन वार्षिक महोत्सव जालंधर बाईपास रोड स्थित श्री बाबा वैरा जैन भवन लुधियाना में हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। महोत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मौजूद होकर बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। महोत्सव में अमित जैन टोरी, मनोज जैन, कुसुम जैन, सारा जैन ने मधुर भजनों का गुणगान कर आए हुए श्रवक श्रविकाओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। महोत्सव के दौरान कमेटी के प्रधान निर्मल जैन ने बताया कि श्री बाबा वैरा जी भवन में 4 कमरों का निर्माण हो रहा है, जिसके निर्माण का लाभ लेने वाले परिवारों का कमेटी की ओर से बहुमान किया गया। महोत्सव में आए हुए सभी श्रवक श्रविकाओं का कमेटी के प्रधान निर्मल जैन, महामंत्री नरेंद्र जैन बब, कोषाध्यक्ष राजन जैन, निर्माण संयोजक अनिल जैन काका, उत्सव संयोजक कमल जैन ने आभार व्यक्त किया। महोत्सव में भोजन का लाभ श्री बाबा वैरा जैन महिला मंडल ने लिया। इस अवसर पर जितेंद्र जैन, रजनीश जैन, पुष्प जैन, चंद्र जैन, दिनेश जैन, विक्रांत जैन, राजीव जैन, संभव जैन, रोहित जैन, भूपेंद्र जैन, कपिल कुमार, रचित जैन, सचित कुमार, सचिन जैन, विनय जैन सहित समूह जैन समाज के पदाधिकारी मौजूद रहे। लुधियाना से हलचल के लिए अरुण की रिपोर्ट। जो लंगर है उसका लाभ लेना है, लेकिन मेरी व्यस्तता थी या मेरी मजबूरी थी मैं इनको ये लाभ ना दे सका। वो कारण ये था कि हमारे पास कोई ना कोई कोई नई शादी वाला या किसी की ऐसी भावना थी मुझे ये करवाना ही करवाना है। तो मैंने फिर आंटी जी को कह रहा आंटी जी तुम तो शादी अपने हो तो आप तो फिर दे देंगे मैं, लेकिन इन्होंने दे दी। और कभी भी इन्होंने ये शिनक नहीं की कि नहीं ये काम असी करना है उसी सामने दे। ऐसी इनकी विशालता है, मन की विशालता है। और देखिए क्या संयोग बना है, आज आंटी जी मेरे परम आदरणीय कमला आंटी जी वो महल बाबा वाला महल मंडल के प्रधान पद पर हैं और हमारे इनका बेटा मेरे भैया निर्मल जी वो बावड़ेड़ी समाज में बाबा वाला तीर्थ कमेटी के प्रधान आ गया। ये संयोग बनता था तो ये लाभ मिलता था, तो आज ये संयोग वश ये लाभ मिला है। मैं बावड़ेड़ी समाज श्री बाबा वाला तीर्थ कमेटी की तरफ से प्रवास की बहुत बहुत श्री बाबा वाला जैन महल मंडल की बहुत बहुत हार्दिक अनुमोदना करता हूँ। और जो इन्होंने हमारे लिए हमेशा ही हमें बल बल के अपना आर्थिक सहयोग में गिनती नहीं बता सकता, जब भी पैसे इकट्ठे होने ये साढ़े को तुम रहो ये साढ़े को तुम रहो, तो ऐसा इन्होंने हर बार ही हमें आर्थिक सहयोग देकर हमारी इस बिल्डिंग के निर्माण कार्य में अपना अभूतपूर्व जो हमें आर्थिक सहयोग दिया है।
राजरानी अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में जा विराजी हैं। उनकी आत्मिक शांति हेतु रखी गई रस्म पगड़ी और श्री गरुड़ पुराण जी के पाठ का भोग श्री दुर्गा मंदिर ज्वाला नगर मकसूदा जालंधर में डाला गया। इस मौके पर पारिवारिक सदस्यों में बेटा राजेश कालिया, बहू रिक्की कालिया सहित धार्मिक सामाजिक राजनीतिक वर्ग से जुड़े लोगों ने स्वर्गीय राज रानी को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। शिरोमणि अकाली दल बसपा की ओर से जालंधर उपचुनाव के लिए डॉक्टर सुखविंदर कुमार सुखी को उम्मीदवार घोषित किया गया है। गौरतलब रहे कि सुखविंदर सुखी बंगा से शिरोमणि अकाली दल के विधायक हैं। अपने उम्मीदवार का ऐलान अकाली दल बसपा की ओर से प्रेस वार्ता कर किया गया। इस अवसर पर अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल, बसपा के पंजाब प्रधान जसबीर सिंह गढ़ी, डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा, बलविंदर सिंह भूंदड़, बलदेव सिंह खैरा, पवन कुमार टीनू और पूरी अकाली बसपा लीडरशिप मौजूद रही। गौरतलब रहे कि गत दिनों आम आदमी पार्टी ने पूर्व कांग्रेसी विधायक सुशील रिंकू को उम्मीदवार घोषित किया था। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी की ओर से स्वर्गीय सांसद संतोष चौधरी की पत्नी करमजीत कौर को उपचुनाव में उतारा गया है। श्रोमणी अकाली दल बहुजन समाज पार्टी का जो गठजोड़ है, उस गठजोड़ से असीं फैसला किया कि आ इलेक्शन विच श्रोमणी अकाली दल अपना कैंडिडेट देगा तो बहुजन समाज पार्टी पूरा डट के सपोर्ट करेगा। आ डिसीजन मैं लगता 3-4 दिन पहले जॉइंटली असी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया सी, ते पिछले कई दिनों चो मैं असी दोनों पार्टियां विचार रही सी किहड़े किहड़े कैंडिडेट होने चाहिए, पोटेंशियल अपना जिहड़ा बेस्ट आपां जिहड़े कांग्रेस BS अपना जिहड़ा BJP ते आम आदमी पार्टी दी सरकार नूं तिन्नां पार्टियां नूं जो हरा सके। ते दो तीन गल्लां मैं करनियां चाहुंदा, एक आ डिसीशन जिहड़ी असीं लिती है यूनानिमस है सारिआं दी, सारे ताइयों मैं कहा सारी दोनों पासे दी समुची लीडरशिप इस जिले दी ऑल हल्का चार्जेस दोनों साइड तो ते बाकी पार्टी डिसीशन इकट्ठे हैं। एंड बड़ी खुशी है कि जॉइंटली असीं डिसाइड किया डॉक्टर सुखी जी साढ़े जलंधर पार्लीमेंट तो साढ़े उम्मीदवार होंगे। जलंधर लोग सभा के बाई इलैक्शन हो जा रहा है, वो श्रोमणी अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी ने रल के मैं उम्मीदवार बनाया। वो ने मैं श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सरदार सुखबीर सिंह बादल जी और बहुजन समाज पार्टी पंजाब के प्रधान डॉक्टर जसबीर गढ़ी जी का मैं उन्हों का और समुची दोनों पार्टी लीडरशिप का और भैन कुमारी मायावती जी का धन्यवाद करदा जिन्होंने मेरे च विश्वास प्रगट किया और इस बाई इलैक्शन के मैनू लोगों की सेवा करन का मौका दिता। दसुहा के गांव मियां में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और उसके पारिवारिक सदस्यों से दुखी होकर आत्महत्या कर ली। इस संबंध में जानकारी देते हुए मृतक के पिता ने बताया कि उसके बेटे का विवाह 2021 को हुआ था और उसकी पत्नी हर दिन घर में कलेश करती थी, जिसके चलते उनके लड़के ने जहरीला पदार्थ निगलकर आत्महत्या कर ली। वहीं इस मामले में पुलिस ने लड़की और उसके पारिवारिक सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, जबकि उनकी गिरफ्तारी होनी बाकी है। ये लड़की NRI करके वही ही जी 15 दिन के मान लो कहते ही बाहर चली जाना, 5 दिन के इन्हें विआह किया सी ते इसने की किया जी विआह तो 15 दिन के बाद लड़के ने पूछा बाहर जाने इन्हों का ये लड़के नूं पहले तंग परेशान कर लग पी भी साडा परिवार जिहड़ा ये वड्डा तुसीं माड़े हो गरीब हो जेब हो फलाना कर कतर के उहदे विच उहदे तों बाद जदों हौली हौली लड़के नूं पता लगन लगा वी कुड़ी ये तो पैसे लै के ते गाह तों गाह डिवोर्स करदी 3-4 थां ते विआही सी जी लड़की। इन्हां दा झगड़ा चलदिआं नित कलेश हुंदिआं हुंदिआं बड़ियां पंचायतां होईआं, बड़ियां पुलिस होया, परचा एक दूजे एप्लीकेशन होईआं ना हुंदे होए इन्हां दे कोर्ट दे विच केस चल रहा है जी इस वेले तलाक दा केस चलदे बावजूद भी लड़की इत्थे धक्के नाल रह रही है। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸੇ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਲੈਕਮੇਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ, ਕਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿਓ, ਕਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਕਿੱਲਾ ਪੈਲੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਿੱਲਾ ਪੈਲੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, 112 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਫੋਨ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਿੱਧੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਇੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇਣਾ ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਜਾ। ਲੜਕਾ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਫਿਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੱਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ ਕੁੜੀ ਲੜਕੀ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ 40 ਲੱਖ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਲੀ ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਲਿਖਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਰੋ। ਇਹਨੇ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਤਾ। ਕਦੀ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਕਦੀ ਦੂਜੀ ਦੇ ਕਰਨ ਤਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਧੌਣ 'ਤੇ। ਸਵਾਮੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਸੀਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਲੜਕੇ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਬਿਆਨ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼। ਅਤੇ ਕੀ 5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਅਰੈਸਟ ਪਾਈ ਗਈ? ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। आम आदमी पार्टी की ओर से जालंधर उपचुनाव के संबंध में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें आम आदमी पार्टी की पूरी लीडरशिप ने भाग लेकर चुनाव तैयारियों को लेकर चर्चा की। इस मौके पर पार्टी के उम्मीदवार सुशील रिंकू ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता बहुत मेहनत कर रहे हैं और उन्हें पार्टी में बहुत सम्मान मिल रहा है। तो वहीं उन्होंने पार्टी के एक वर्ष में किए कामों को लेकर लोगों में जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि उन्हें लोगों का पूरा समर्थन मिल रहा है और भारी बहुमत से उनकी जीत होगी। दैनिक सवेरा देख रहे हो तुसी, तां महिमा सिंह दिगपाल। जलंधर दे विच जिमनी लोक सभा चोणां ने जिहड़ियां होण जा रहियां ने, साडे नाल आम आदमी पार्टी के कैंडीडेट सुशील कुमार रिंकू जी मौजूद ने। रिंकू जी, अज आम आदमी पार्टी की वलंटियर की मीटिंग की गई है, संदीप पाठक भी इतने पहुंचे हुए सन, किदां दे किहड़े मुद्दे नूं लैके जिहड़ी मीटिंगां ने होईआं ने? देखो गल है कि जिस डिसिपलन दे नाल साढ़े सारे वलंटियर्स, साढ़े सारे MLA, साढ़े सारे मंत्री साहबान जिस डिसिपलन दे नाल टीमां बना के अज उन्होंने शुरुआत की है, अपने आप दे विच एक बहुत ही मेरे लिए नवेकला, क्योंकि एहो जी एक्सरसाइज है जिहड़ी कदी भी मैं पहला काफ़ी सालों तो मैं काम कर रहा सी पॉलिटिक्स दे विच, पर एहो जी एक्सरसाइज मैं कभी भी अपनी जिंदगी दे विच नहीं देखी। और मैनू पूर्ण विश्वास है जिस तरीके दे नाल पाठक साहब ने सारे वलंटियर्स लीडर्स दे विच जिस तरीके नाल जोश भरिया और जिम्मेवारियां जिस तरीके नाल सारियां नू डिस्ट्रीब्यूट कीतियां, मेरा ख्याल है कि एक एक वर्कर, एक एक पिंड च, एक एक वार्ड दे विच जाके अपनी पूरी मेहनत करेगा और आम आदमी पार्टी द्वारा जिहड़े एक साल दे विच जिहड़ा जिहड़ियां उन्हां दीआं प्राप्तियां उन्हां नू घर घर तक पहुँचाणगे और बहुत वड्डा समर्थन आ जिहड़ा पब्लिक दा वह लैके आणगे। आम आदमी पार्टी दे विच हुणे हुणे ज्वाइन होए हो, किसी तरह का कोई विरोध तो नहीं देखने को मिल रहा, सारे साथ दे रहे हैं? देखो मैं तुहानू सच्ची गल दसा, इन्ना प्यार और सत्कार इत्थे आके मिल रहा, क्योंकि जलंधर दे विच जिन्ने भी लोग है जिहड़े अज आम आदमी पार्टी के जिहड़े वलंटियर्स है, तकरीबन काफ़ी देर तो मैं भी पॉलिटिक्स दे विच सेवा कर रहा, तो बहुत सारे लोगों नाल जिहड़े काफ़ी पुराने रिलेशन भी है और बहुत सारे जिहड़े मंत्री साहबान MLA साहबान पिछली बार मेरे नाल हाउस दे विच मैंबर भी सीगे, सो मैनूं इत्थे आ के किसी तरह का भी कोई ओपरापन नहीं लगा और हर एक तो जिहड़ा बड़ा निघा जिहड़ा प्यार और सत्कार मिल रहा है। संगरूर की 93 साल की सुरजीत कौर गरेवाल ने साबित कर दिया है कि अगर इंसान में कुछ करने की चाह हो तो वह कुछ भी कर सकता है। गौरतलब रहे कि सुरजीत कौर गरेवाल 100 मीटर दौड़ व 400 मीटर दौड़ खेलकर मेडल जीत चुकी है। सुरजीत कौर गरेवाल ने करीब 6 माह पूर्व अभ्यास शुरू किया था। इस अवसर पर सुरजीत कौर गरेवाल ने बताया कि अपनी बेटी को मैदान में जाते देख वह खेल मैदान में जाने लगी, जिससे उसे खेल खेलने का शौक हो गया। सुरजीत कौर गरेवाल ने उस उम्र में राज्य पदक और राष्ट्रीय पदक जीते हैं। जब बुजुर्ग अपने पोते या दोते दोतियों के साथ खेलते हैं, सुरजीत कौर को देखकर हर कोई हैरान है। करीब 5 वर्ष पहले सुरजीत कौर की टांग टूट गई थी, जिसके बाद सुरजीत कौर ने अपनी टांग का इलाज करवाया और 6 महीने पहले अपने करियर की शुरुआत की। सुरजीत कौर के दिल में ऐसा करने का जुनून था, जिसे उन्होंने पूरा किया, जो आज पूरी दुनिया में एक मिसाल बनकर उभरी है। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। की नाम है माजी? सुरजीत कौर गरेवाल। माता जी कितनी उम्र होगी थोड़ी? 93 साल। जेड़ी हुन तुसी गेम जीत के आए हो, कितने मेडल तुसी जीत के लेके आए हो? बस काफी लेके आए हैं जीत के। ਕਿੰਨੇ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹੋ ਮਾਜੀ? 4 ਜੀ 4। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜੀ ਲੱਗਾ ਉੱਥੇ।
ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਟੋ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਸਪੇਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸ਼ੌਂਕ ਜਾਗਿਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਬਸ ਬੇਟੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਊਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਏ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬਠਿੰਡੇ ਕੰਨੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਰਲਾਵਰ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਫਤਿਹ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਲਵੇ ਲਾਉਣੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਜਾ ਕੀਤਾ ਵਧੀਆ। ਬੱਚੇ ਕੁਆਰੇ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਪੜ੍ਹਾਏ ਲਿਖਾਏ, ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲੱਗੇ ਵਧੀਆ ਸਾਰੇ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸੈੱਟ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਾਜੀ? ਬਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕਰ ਇਹ ਹੁਣੇ ਲੱਗਿਆ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ। ਹੁਣ ਗੇਮ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆਉਣਗੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਅੱਗੇ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤਿਆਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਬਰਕਾ ਦਾ ਕਸ ਜਾਈਏ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ। ਜੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਸਾਰੇ ਦੋ ਬਦਾਮ ਵਗੈਰਾ ਕਾਜੂ ਸਭ ਕੁਛ, ਦੋ ਚਮਚੇ ਦਿੰਦੇ ਖੋਲ ਕਰਦੇ, ਦੋ ਚਮਚੇ ਨਿਕਾਲਦੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਦ ਮੈਂ ਰੇਸ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਅਬ ਅੰਤ ਮੇਂ ਹਲਚਲ ਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਫਿਰ ਸੇ। अमृतसर की जिला जेल में एक 40 वर्षीय नौजवान की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत, पारिवारिक सदस्यों ने प्रशासन से इंसाफ की लगाई गुहार। धूरी के सरकारी गर्ल्स स्कूल में एक समागम का किया गया आयोजन, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की पत्नी डॉक्टर गुरप्रीत कौर ने बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।